सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो फंड हमें फ्रैंकलिन इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इस इनफो के अंदर में पैसा को डालते हैं तो हमारा पैसा किन किन जगहों पर लगने वाला है, यहाँ पे हम पैसा निवेश करते हैं तो कितना रिस्क है, कितना रिटर्न्स है और यहाँ पे कैसा कैसा चीज हमें देखने को मिलेगा, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए बिना देर की हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें टॉपिक देखने को मिलता है एनएफओ रिव्यू, ठीक है, न्यू एनएफओ रिव्यू, मतलब कि न्यू फंड का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं जो नया एनएफओ आया है। पहले फंड का नाम देखिए, फंड का नाम हमें देखने को मिलता है फ्रैंकलिन इंडिया, ठीक है, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। तो ये हमें यहाँ पे फंड का नाम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि नाम के अंदर से हमें क्या क्या चीज जो है वो क्लियर हो पा रहा है। तो पहले देखिए फ्रैंकलिन इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा एक एएमसी कंपनी हो गया, ठीक है, या फिर आप कहिए कि म्यूचुअल फंड हाउस हो गया जो हमारे पैसे को मैनेज करेगा। अब यहाँ पे है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कम समय के लिए, ठीक है। तो कम समय के लिए किन जगहों पे हम निवेश करते हैं? तो जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं वो इस तरीके के स्कीम लेकर के आते हैं। तो ये एक डेट म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको कम रिस्क में रिटर्न्स आपको मिलेंगे, और कितना रिटर्न्स मिलेंगे वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पैसा आपका निवेश किया जाएगा वो डेट कैटेगरीज के अंदर निवेश किया जाएगा, जो कि हम नीचे होल्डिंग्स के अंदर में पूरे क्लियर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फंड का नाम आपके सामने में क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितने डेट से कितने डेट तक हम यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। 19 अगस्त 2024 से लेकर के आप 28 अगस्त 2024 तक इस न्यू फंड ऑफर में आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 तारीख से लेकर के 28 अगस्त तक जो है वो आपके पास टाइम है इनफो में निवेश करने का। इसके बाद क्लोज होगा, फिर सप्ताह दिन के बाद फिर ये आ जाएगा, फिर आप निवेश करने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनएवी की जो प्राइस हमें देखने को मिलती है वो 10 रुपए मिलती है। अगर आप इनफो रहते भर में इसमें निवेश करते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगी कि यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपको 10 रुपए का एक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब लगता है आपको कि आपको किसी ऐसे फंड की नीड थी जो कि नए फंड ऑफर आए और हम उसमें डेट कैटेगरीज के अंदर पैसा निवेश करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी करना के लिए कितना अमाउंट है, तो एसआईपी में 500 रुपए चाहिए कम से कम, ठीक है, और लमसम करने के लिए आपके पास 5,000 रुपए होने चाहिए। तो एसआईपी आप करना चाहते हैं तो 500 से आप हर महीने एसआईपी शुरू कर सकते हैं, उससे ऊपर जितना अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लमसम जो है वो 5,000 रखा गया है, 5,000 से कम पैसा आप यहाँ पे लमसम नहीं कर सकते। 5,000 के ऊपर जितना पैसा आपका यूपीआई लिमिट देता है उतना आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी हम ये भी जानेंगे कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड की, मान लीजिए आपने पैसे को यहाँ पे लगाया और आपको जरूरत पड़ जाती है बीच में, तो कब आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा और कब निकालेंगे तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो निल देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे कोई एग्जिट लोड का चार्ज नहीं है। आप निवेश कीजिए जब मर्जी तब आप पैसे को निकाल लीजिए। और डेट कैटेगरीज का है तो लोग ज्यादातर इसी वजह से यूज करते हैं इस कैटेगरीज को कि उन्हें जब पैसे की जरूरत पड़े तब वो पैसे को निकाल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बच जाता है, एक्सपेंस रेशियो, कि यहाँ पे हमसे एक्सपेंस रेशियो कितना लिया जाएगा। तो फंड यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एनएफओ में नहीं बताते हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपके एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.20% के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। 0. मान के चलिए कि 0.18% रहेगा या फिर 0.25% तक ही आपका जो है वो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। इससे ज्यादा जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फंड होते हैं डेट कैटेगरीज के फंड, ये आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, ना ये ज्यादा रिस्क लेते हैं और ना ही ये ज्यादा रिटर्न्स आपको बना करके देते हैं। रिटर्न्स कितने के बना करके देते हैं? तो आप यहाँ पे 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6.50% से लेकर के 7.50% तक का ही आपको रिटर्न्स जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा रिटर्न्स भी ये आपको बना करके नहीं देगा, लेकिन इतना फिक्स रहता है कि आपको इतना से लेकर के इतना के बीच में सालाना रिटर्न्स मिल जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। जैसे इक्विटी में होता है कि कोई फिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा मिल सकता है और निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 6.5% 7.5% के आसपास आपको एक सालाना रिटर्न्स जो है वो मिलते रहते हैं, जो कि रेगुलर आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो रिटर्न्स भी क्लियर हो गया है।
अब हम देखते हैं कि हमारे पैसे को डेट कैटेगरीज के अंदर में कहां लगाया जाएगा, तो सिंपली होल्डिंग्स, ठीक है। डेट कैटेगरीज में आप जान ही गए होंगे, जैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए सिंपल भाषा में इतना आप मत तामझाम लेकर के चलिए। और हाँ एक चीज और, कि यहाँ पे जो भी पैसा आपका निवेश किया जाएगा वो पूरा पूरी 0% से लेकर के 100% तक पूरा पूरी डेट कैटेगरीज के अंदर में ही निवेश किया जाएगा। इसके बारे में हम समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में कि डेट का मतलब क्या होता है। देखिए ये फंड जो है ये लोगों से पैसे को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, हम और आपके जैसे लोग जो है वो इस कैटेगरीज के अंदर पैसे को निवेश करेंगे। यहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है इसके पास जितना पैसा जमा होगा ये उस पैसे को लोगों को लोन देगा, ठीक है। सिंपल भाषा यही होता है, नाम अलग अलग है लेकिन ये लोगों को लोन देगा, चाहे लोन इसकी प्राइवेट कंपनी कोई ले ले या फिर लोन जो है वो गवर्नमेंट ही लोन ले ले, ठीक है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है। तो लोन देने का यही डेट ही एक तरीका होता है, तो या तो प्राइवेट कंपनी को ये लोन दे या फिर एक गवर्नमेंट को लोन दे, ये किसी को भी लोन देगा तो उससे ना ये फिक्स्ड रिटर्न जो है वो कमाएगा, फंड जो है वो फिक्स्ड रिटर्न्स उससे कमाएगा। एक पेपर इसको मिल जाएगा कि हाँ इतने दिनों का हमने लोन आपको दिया है, इतने दिनों के बाद आपको इतना पैसा लौटाना है, चाहे आप उस पैसे को लेकर डूब जाइए या फिर बहुत बड़ा इंसान बन जाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जितना आपने कहा है उतना आपको देना है। तो ये बेसिक क्या करेगा कि लोगों को लोन देगा, ठीक है। और लोन में आप जानते हैं कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि उतना पैसा आपको पे करना ही पड़ता है, और उतना पैसा अगर फंड को मिल रहा है तो लोगों को भी ये उतना ही पैसा देता है, जिससे लोगों को फिक्स्ड यहाँ पे इनकम देखने को मिलता है। अगर आप कम रिस्क लेकर के और पैसे बढ़ाना चाहते हैं, एफडी के जैसा आप रिटर्न्स चाहते हैं वो भी कंपाउंडिंग रिटर्न्स, तो आप इस फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस फंड को भी देखिए, अगर आप अपने संतुष्टि से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा और भी फंड है, जैसे कि HDFC का लिक्विड फंड है, ठीक है, जो कि डेट कैटेगरीज का फंड है, उधर भी आप जा सकते हैं। SBI का भी लिक्विड फंड है जो कि आपको सेम ही रिटर्न्स बना करके देगा, 6.5 से 7.5% का रिटर्न्स आपको बना करके देगा, तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो आप दोनों फंड्स को एक बार देख लीजिए, उधर जाइएगा तो आपको ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, इसलिए क्योंकि वो हमारे भारत की AMC वगैरह है, ठीक है, ये भी हमारे भारत की ही हो गई है, लेकिन ट्रस्ट जो है वो SBI पे और HDFC पे ज्यादा है, बाकी आप खुद से डिसाइड कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।